हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास डेस्क। तो आज हम जानने वाले हैं 20 वर्ड्स टू बूस्ट योर वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन के साथ। द फर्स्ट वर्ड इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। इसका एक एग्जाम्पल है लेस इज मोर। लेस इज मोर एक ऐसी सेइंग है जिसका मतलब होता है कम ही ज्यादा है। अब इसमें दोनों वर्ड्स जो कम और ज्यादा, लेस एंड मोर, आर ऑपोजिट वर्ड्स, बट इट इज स्टेटिंग देम एज इक्वल्स। तो ये स्टेटमेंट खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को एक पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न या फिर अनकॉम्प्रोमाइजिंग। जो इंसान बहुत अड़ियल होता है, जो किसी की बात नहीं मानता और कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपने डिसीजन पे ही टिका रहता है, किसी की नहीं सुनता, उसे हम एडमेंट कहते हैं। उसके सिनोनिम्स है स्टबर्न या फिर अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल है कबीर वॉज बींग एडमेंट अबाउट नॉट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कबीर बहुत एडमेंट मतलब अड़ियल हो रहा था कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। ठीक है, द थर्ड वर्ड इज एजी। एजी का मतलब होता है बींग इन अ टेंस और नर्वस स्टेट। इसका एग्जाम्पल है किरण इज स्टिल एजी अबाउट हर मीटिंग नेक्स्ट वीक। एजी का मतलब ये हुआ कि कोई इंसान बहुत घबरा रहा है, बहुत टेंशन में है। ठीक है, एग्जाम्पल का ये मतलब है किरण अभी भी बहुत नर्वस है अपनी मीटिंग को लेकर जो नेक्स्ट वीक होने वाली है। वो अभी भी बहुत परेशान है उसे लेके, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वहां पे हम एजी यूज करते हैं एज अ फीलिंग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अप्राइज। अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। मैंने किसी को किसी चीज के बारे में बताया तो उस एक्शन को, मेरे बताने को मैं अप्राइज कहूंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मीरा वॉज जम्पिंग विद जॉय व्हेन आई अप्राइज्ड हर अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स। मैंने उसे उसके एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में बताया और फिर मीरा खुशी से कूदने लग गई। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है ऑब्वियस टू द आई और माइंड या फिर क्लियरली विजिबल। जो भी चीज हमारी आंखों के सामने हमें क्लियरली दिख रही है, वो कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे किसी का एडम्स एप्पल हो सकता है, या फिर कोई फीलिंग हो सकती है, किसी के अंदर कोई इमोशन हो सकता है जो बहुत ही एविडेंट हो, हमें साफ दिख रहा हो, उसको भी हम कॉन्स्पिक्यूअस कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है हर नर्वसनेस वॉज कॉन्स्पिक्यूअस थ्रू आउट द इंटरव्यू। उसकी जो नर्वसनेस थी वो साफ दिख रही थी पूरे इंटरव्यू के दौरान। सारे जो इंटरव्यूअर्स थे उन्हें पता चल रहा था कि शी इज वेरी नर्वस, क्योंकि वो साफ दिख रहा था उसके चेहरे पे। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज जेपडी। जेपडी का मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। तो जिस चीज से हमें डर लगता है कि इससे बहुत हार्म हो सकता है, लॉस हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं, उसको हम जेपडी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है द होल नेशन वॉज इन जेपडी ड्यूरिंग द COVID-19 आउटब्रेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 के दौरान इंडिया में बहुत ही ज्यादा लॉस का और हार्म का डेंजर था। ठीक है, जब शुरुआत में COVID-19 आया था तो सबको बहुत डर लग रहा था कि इससे काफी लॉस होने वाला है, जो कि हुआ भी। तो वहां पे हम ये जेपर्डी वर्ड को भी यूज कर सकते हैं अगर हमें वो सेंटेंस बोलना है तो। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन मतलब जो डिस्ट्रक्शन, जो भी तबाही बहुत ही बड़े लेवल पे मची होती है, या फिर हैवॉक हम वहां पे भी यूज करते हैं जब हम घर में किसी को, बच्चे को कहते हैं ना कि तुमने क्या तबाही मचा रखी है, तो वहां पे भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है दिस मिसाइल कैन कॉज हैवॉक इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। ये मिसाइल कुछ ही सेकेंड्स के अंदर बहुत ही तबाही मचा सकती है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब है बहुत जॉयफुल और बहुत हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फिल्ड विद एक्सल्ट व्हेन आई सॉ माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी। मैंने अपने पेरेंट्स को जब प्राउड देखा मेरे ऊपर अवार्ड सेरेमनी में, तो मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत जॉयफुल फील कर रही थी, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही थी, मेरे अंदर बहुत खुशी भरी हुई थी। फिल्ड विद एक्सल्ट मतलब मेरे अंदर बहुत खुशी भरी हुई थी। ठीक है, तो इस वर्ड का इस्तेमाल आप तब करना जब आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे या फिर अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, ऑफ नो यूज एनी मोर। अब अननेसेसरी वो चीज होती है जो हमें पता है, जो अभी काम की नहीं है हमारे लिए,
या फिर अब काम की नहीं है, पहले वो काम की थी अब काम की नहीं है, वहां पे भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सूरज ऑर्डर्ड रिडंडेंट स्टफ ऑनलाइन विद माई क्रेडिट कार्ड. तो इस स्टेटमेंट में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड से सूरज ने बिल्कुल ही अननेसेसरी सामान मंगा लिया है. तो हो सकता है वो सामान अननेसेसरी ना हो, पर हमारे लिए तो अननेसेसरी है ना, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हम रिडंडेंट यूज कर रहे हैं कि सूरज ने मेरे क्रेडिट कार्ड से रिडंडेंट स्टफ ऑर्डर किया ऑनलाइन. ठीक है, रिडंडेंट मतलब जो चीज अननेसेसरी है, जिस चीज का कोई यूज नहीं है या किसी चीज का अब यूज नहीं है. तो सेकेंड मीनिंग है उसका, हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज बुक्स आर रिडंडेंट फॉर मी नाउ. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रूथलेस. रूथलेस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो पिटी फॉर अदर्स. इसका मतलब जो इंसान किसी के लिए दया नहीं दिखाता, बहुत ही बुरा इंसान होता है वो, जो किसी के लिए काइंड नहीं होता, उसे हम रूथलेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज रूथलेस फॉर हिज किंगडम एंड देयरफॉर नोबडी लाइक्ड हिम. वो जो राजा था वो बहुत ही रूथलेस था, वो दयालु बिल्कुल नहीं था अपने किंगडम के लिए, बहुत ही सेल्फिश था, इसीलिए उसके किंगडम में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था. अच्छा हाँ, मैंने बोला सेल्फिश, दैट वॉज एन अजम्पशन, बट जो लोग काइंड नहीं होते, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर सेल्फिश. तो हम ऑपोजिट वर्ड सेल्फिश नहीं मानेंगे, जस्ट कीप दिस इन माइंड. द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल का मतलब है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल. अब इस मीनिंग से आपको ये समझ आ रहा होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई बहुत ही पहुंच वाला इंसान होता है ना, जो बोलता है कि मेरे चाचा तो ये है, मेरे पापा तो ये है, और उसके बाद हमें उनसे डर लगता है कि ये कुछ कर ना दे. उन इंसानों को, उन लोगों के लिए हम फॉर्मिडेबल यूज करते हैं, जो फियर लाते हैं हमारे अंदर, या फिर रिस्पेक्ट भी ला सकते हैं अपनी पावर के थ्रू, अपनी बड़ा होने के थ्रू, जो बहुत ही ज्यादा केपेबल होते हैं लोग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इट इज रिस्की टू स्टैंड अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल ओपोनेंट इन कोर्ट. ये बहुत ही रिस्की है मेरे लिए, मैं इसमें बहुत रिस्क उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ कि मैं उस फॉर्मिडेबल ओपोनेंट के अगेंस्ट खड़ा हूँ या खड़ी हूँ कोर्ट के अंदर. मतलब वो जो ओपोनेंट है हमारा, वो बहुत ही पहुंच वाला है, वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मेरे लिए बहुत रिस्की है उसके अगेंस्ट लड़ना. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस इज एमिएबल विद ऑल द एम्प्लॉयज. तो ये क्वालिटी की तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, जब हम अपने बारे में बता रहे हैं किसी को, हम बता सकते हैं वी आर एन एमिएबल पर्सन. इसका एग्जाम्पल है माई बॉस इज एमिएबल विद ऑल द एम्प्लॉयज. इसका मतलब है कि मेरा जो बॉस है वो सारे एम्प्लॉयज के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ही इज नॉट बॉसी एट ऑल. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ. जेनिथ का मतलब होता है द हाईएस्ट और मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज का, किसी भी पोजिशन का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे पावरफुल जब आप होते हो, सक्सेस में जब आप सबसे ऊपर होते हो, तो आप कह सकते हो द जेनिथ ऑफ सक्सेस. इसका एक एग्जाम्पल है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू रीच द जेनिथ ऑफ सक्सेस. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, सक्सेस की टॉप पॉइंट तक पहुंचने के लिए. ओके, अमेलियोरेट. अमेलियोरेट का मतलब होता है मेक समथिंग बेटर. किसी भी चीज को जो सही नहीं है या बुरी है, उसे बेटर बनाने को हम अमेलियोरेट कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है, शी हेल्प द पीपल टू अमेलियोरेट द हाइजीन कंडीशंस इन देयर विलेज. उस लड़की ने उन लोगों की मदद करी उनके गांव के हाइजीन कंडीशंस को बेटर बनाने में. गांव में उनके हाइजीन कंडीशंस पुअर थे, और उस लड़की ने उसे बेटर बनाने में, मतलब जो चीज खराब है उसे बेटर बनाने में हेल्प करी उन लोगों की. तो यहाँ पे हम ये वर्ड यूज कर सकते. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीग. इंट्रीग का मतलब है अराउज द क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ऑफ और फैसिनेट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई वॉज इंट्रीग्ड बाय अजिताज ट्रांसफॉर्मेशन. इंट्रीग का वैसे मतलब ये है कि हम किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, हम बिलीव नहीं कर पाते, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया. ठीक है, तो किसी भी आपके फ्रेंड का या किसी का भी आप जब फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, तो आप बहुत इंट्रीग्ड हो जाते हो, आप बहुत फैसिनेटेड हो जाते हो, आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो कि ये कैसे हुआ. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, आई वॉज इंट्रीग्ड बाय अजिता ट्रांसफॉर्मेशन, अजिता के
फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अजिता की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद मैं भी बहुत इंट्रीग हो गई, मैं बहुत क्यूरियस हो गई, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उस चीज में, और मैं बहुत फैसिनेटेड हो गई। ये सारी चीजों का मतलब हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है फीलिंग अ लैक ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म। लेथार्जिक तब यूज किया जाता है जब हम अपने आप को लेजी बोल रहे होते हैं, हमें बहुत डाउन फील हो रहा होता है, हमारा मन नहीं करता कुछ भी करने का, तो वहां पे हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, रमन फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर हिज फर्स्ट डे एट द जिम। रमन को बहुत ही लेथार्जिक मतलब लेजी और लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा था उसके जिम के फर्स्ट डे के बाद। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स। एक ऐसा इंसान जिसे बुक्स को कलेक्ट करना, बुक्स से पढ़ना बहुत पसंद है, उन्हें बुक्स से प्यार है, उस इंसान को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, ही यूज टू बी अ बिब्लियोफाइल ड्यूरिंग स्कूल डेज। वो इंसान, वो लड़का बहुत ही किताबों का शौकीन हुआ करता था उसके स्कूल डेज में, अब नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। जिस भी चीज की इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है, बहुत छोटी सी बात जिसे हम कहते हैं ना, वहां पे हम ट्रिवियल यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, हर पेरेंट्स फाइट ओवर ट्रिवियल इश्यूज एवरी डे। उसके पेरेंट्स रोज छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे ट्रिवियल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर देती है उसे हम कैटेस्ट्रॉफिक कहते हैं, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज कर देना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, अ कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक हिट जापान इन 2011। 2011 में जापान को एक बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग अर्थक्वेक ने हिट किया था, तब बहुत ही तबाही हुई थी, तो वहां पे हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाइवेशियस। वाइवेशियस का मतलब है अ पर्सन हु इज लाइवली एक्साइटिंग अट्रैक्टिव। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही खुश रहने वाला हो, बहुत एक्साइटिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब जो इंसान जैसे पार्टीज में लोग होते हैं ना, जो बहुत खुल के डांस करते हैं, खुल के हंसते हैं, सबसे बातें करते हैं, और हमें वो लोग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत लाइवली लगते हैं, एक्साइटिंग लगते हैं, उन लोगों को हम वाइवेशियस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हर वाइवेशियस एटीट्यूड मेड एवरीवन इन द रूम फॉल इन लव विद हर। उसका जो वाइवेशियस एटीट्यूड था, उसका जो लाइवली एक्साइटिंग एटीट्यूड था, जो वो खुल के नाच रही थी, उससे सबको प्यार हो गया जो भी वहां पे रूम में थे। Now by this we come to the end of this video. You have successfully learned 20 new words and added them into your vocabulary. Don't forget to subscribe to the channel and like and share this video with your friends. Thank you. Bye.